वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जयहत एंड वेलकम टू वीकली करंट अफेयर फॉर द सेकेंड वीक ऑफ मार्च आई जिस होप आई एम क्लियरली ऑडिबल एंडबल टू ऑल ऑफ यू एंड मार्च के करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है आप सबका स्वागत है सो आर एन कुशवाहा वीरू थैंक यू सो मच थैंक्स सो लॉर्ड फॉर सपोर्ट मुआसमानर गौरव जैन सुभाष मौर्य श्वेता तुमार रघुनंदन सिंह अनमोल शुक्ला रिचा गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सबका हार्दिक स्वागत है सेशन में वंस अगेन एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सी इन फैक्ट एवरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फाइन हाँ जी हाँ जी थैंक यू वीर थैंक्स अ लॉड देखिए पराक्रम सीरीज का तो यही एक फंडा है वो बहुत सारे फैकल्टीज उसके एसोसिएटेड हैं चाहे वो इंग्लिश के अंदर हो चाहे वो जीएस में हो जोग्राफी में हो साइंस में हो एंड हम सबका एक ही एक आइडिया है एग्जाम आपकी हेल्प करना चाहते हैं and that's the reason why we've brought that series. और आपने जितने लोगों को शायद नहीं पता उसके बारे में इसी चैनल के ऊपर दो बजे चार बजे एंड उसी के करस्पॉन्डिंग क्विस्ट करवाए जाते हैं ग्रेडअप की एप के ऊपर भीड टू बी दरफ से आपने एक प्रॉपर सिंक बना के जलना है उसको फाइन एनी वेज अभी हम लोग करंट अफेयर की बात कर रहे हैं सो करंट अफेयर्स जो है वीकली करंट अफेयर्स आपको पता है एवरी मंडे वी ब्रिंग एट 6 पीएम एम बहुत रेयरली रेयर ऐसे होता है कि हम लोग ट्यूजडे को लाए वैसे हम मंडे को लाने की पूरी कोशिश करते हैं एंड आज भी कुछ इसी तरह से हम लोग इस क्लास को लेकर आए हैं आपके सामने फाइन एब्सोल्युटली वीरू थैंक यू सो मच अगेन थैंक्स अ लॉट सो जितने भी लोग देख रहे हैं मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर द सेशन ताकि अगेन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस सेशन बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट ज़रूर मिले सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट दिस पर्टिकुलर थैंक कोविड है कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चेंज हो चुकी हैं जो पहले होती थी वैसे नहीं हो पा रही हैं सो so, रमेश पोखरियाल इन्होंने क्या किया है एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते इन्होंने न्यू दिल्ली के अंदर वर्ल्ड बुक फेयर को इनोग्रेट किया लेकिन इस बार हमने क्या देखा डोंट वरी पी अवेलेबल हो जाएगा जीरो जीरो सेवन आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा बट इट वॉज द वर्चुअल एडिशन वॉट यू मीन बाय द वर्चुअल एडिशन वर्चुअल एडिशन मतलब है जैसे कोई भी चीज ऑनलाइन होती है उसको हम बोलते वर्चुअली होना सो so, एन की जो नेशनल बुक ट्रस्ट है आपको पता है वो क्या करवाता है इस पर्टिकुलर चीज को करवाता है और इस बार का थीम क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसी को इस बार की थीम रखा गया तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहले बुक फेयर होता था प्रगति मैदान में आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद कभी अटेंड भी किया होगा प्रगति मैदान में बुक फेयर हुआ करता था बट नाउ दैट इज नॉट द केस अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से अब हम लोग उस चीज को होते हुए नहीं देख पाएंगे वी विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू सी दैट बुक फेयर हैपनिंग नाउ एटलीस्ट दिस ईयर के लिए ये वर्चुअली ही कंडक्ट किया जा रहा है सो so, हमने देखा कि वर्चुअल एडिशन जो है उसका हो रहा है एंड हम लोग देख रहे हैं ये पूरा एनबीटी की टीम जो है वर्चुअल इवेंट कर रही है आप वर्चुअली ही हर चीज देखेंगे एंड दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग थिंग अगेन सो थीम आपको याद होना चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है दैट इज द बेसिक थीम वही क्या इसकी थीम है सिंपल नेक्स्ट वन अब आपने इसके बारे में सुना होगा एस एफ डी आर टेक्नोलॉजी हाउ मेयर हर्ड अबाउट दैट काफी ज्यादा न्यूज में रही एस एफ डी आर टेक्नोलॉजी क्या है ये एस एफ डी आर की जब हम बात करते हैं लेट मी टेल यू वन थिंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक ओवर अवेयर हम लोग बात करते हैं सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी फाइन हमने देखा जो चांदीपुर कोस्ट है हमारी उड़ीसा में वहां से इसको क्या किया गया टेस्ट किया गया इट इज गोइंग टू एनेबल डीआरडीओ टू डेवलप लॉन्ग रेंज एयर एयर मिसाइल्स आपने एयर एयर मिसाइल का नाम सुना है जैसे एस्ट्रा है वैसी ही हम लोग लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाना चाहते हैं और उसके लिए ये टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज्यादा क्या है जरूरी है फाइन सो लेट मी टेल यू वन थिंग की दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी ऑल टूगेदर सो जितने भी लोग देख रहे हैं मेक श्योर यूर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल यू प्रेसिंग द बेल आइकन योर लाइकिंग दीडियो ऑल एट द सेम टाइम बिकॉज दैट इज श्योरली going to help you a lot in getting all this which you are getting over here fine फाइन चलिए बहुत बढ़िया okay, okay okay thank you thank you deepak thanks a lot अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता hu what is that हम जब भी बात करते हैं yahan pe इसको drdo ने develop जरूर किया है बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि एक बार जब ये डेवलप हो जाएगी प्रॉपरली तो हम लोग देखेंगे एयर टू एयर मिसाइल जो है वो बहुत दूर तक जा पाएंगे एयर टू एयर मिसाइल वॉट exactly एग्जैक्टली इज एयर टू एयर मिसाइल टू एयर मिसाइल मतलब प्लेन से ही हमने हिट किया है किसी फ्लाइंग टारगेट को इसके बारे में देखा होगा मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं यह जो जानवर है प्लेटपस देखा कि नहीं देखा कभी इसको तो ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है ऑस्ट्रेलिया इसकी जो कंजर्वेशन है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप निभा रहा है दैट इन इट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑस्ट्रेलिया सो ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है फाइन तो so आपने ये जो छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए कि ये कहां पे मिलता है बेसिकली हम लोग जब भी बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की वहां पे यू विल फाइंड दिस एनिमल फाइन एंड दे हैव ऑस्ट्रेलिया में जो है वो प्लान कर रहे हैं वर्ल्ड फर्स्ट सेंचुरी इसको प्रमोट करने के लिए प्रमोट करने के लिए एज इन प्रोटेक्ट करना प्रिजर्व करना इसकी प्रॉपर देखना कि कैसे जो ग्रोथ हो रही है इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सो आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्लेटपर्स के लिए काम हो रहा है विच इन इट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो एक बहुत आइकोनिक क्रिएचर है एक बहुत स्पेशल क्रिएचर है विच यू शुड बी हैविंग इन माइंड ऑलवेज एनी यू यू हैव कैन लेट मी नो क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट वन अब आपको पता है इंडिया स्वीडन की वर्चुअल समिट स्टार्ट हुई 2021 में वही समिट जिसके लिए कभी नरेंद्र मोदी स्वीडन जाते थे कभी वहां के जो हेड है वो इंडिया आते थे उनके काउंटर पार्ट स्टीफन लॉफवेन अब ये सब ऑनलाइन हो रहा है इट इज ऑल हैपनिंग ऑनलाइन एंड दैट इज है अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हाई बिकॉज दीज द थिंग्स विच यूज टू हैपन लाइक यू हैव टू ट्रेवल अलॉट बहुत सारे लॉजिस्टिक्स रखते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है एनी आई वुड लाइक टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट मेन फोकस आर ऑन मेन फोकस इज ऑन क्लाइमेट एक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है जेंडर इक्वालिटी काउंटर टेररिज्म इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है दोनों ही सरकारों का फाइन चाहे वो श्री नरेंद्र मोदी हो चाहे वो हो, हो स्टीफन लॉफन जो कि स्वीडिश काउंटर पार्ट है नरेंद्र मोदी के आई होप इट टू ऑल ऑफ यू आप देख सकते हैं यहां पे मैंने पिक्चर को भी एसोसिएट किया, किया है इसके साथ अटैच किया है विच यू कैन सी ऑन स्क्रीन है चलिए नेक्स्ट वन हम जब बात करते हैं सेकेंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स वो कंक्लूड किया गया यू ऑल नो दैट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है हमने देखा कि यहां पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स को होल्ड किया गया था हमने देखा गुलमर्ग बारामूला जो नॉर्थ कश्मीर है जम्मू एंड कश्मीर ने 11 गोल्ड जीते 18 सिल्वर जीते इट वाज फॉलोड बाय कर्नाटक एंड महाराष्ट्र तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये विंटर गेम्स विंटर गेम्स जो है पहले इतनी नहीं होती थी नाउ इट इज ऑल हैपनिंग एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ ऑल द विनर्स इससे एक कंपेटिटिव स्पिरिट तो आती है बल्कि वो जो लोकल डेवलपमेंट है उस रीजन की वो भी बहुत होती है बिकॉज जब भी कभी गेम्स वगैरह वहां पे होती हैं तो होटल्स के अंदर प्लेयर्स आके रुकते हैं अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन दैट पर्टिकुलर मैनर विच इज श्योरली अ वेरी पॉजिटिव स्टेप एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है तो इस तरह की गेम्स ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज होनी चाहिए ऐसा हमारा मानना है दिस इज वॉट वी पर्सनली बिलीव सो अगेन आई वुड लाइक टू एम्फाइज ऑन दिस थिंग ओनली कि थिंग्स आर वेरी बेसिक बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं And only if we are having that particular idea in our mind, we would be in a position to have that overall clarity that how we see this particular thing. It's so fine. Anyways, now we look at this particular point over here. International Women's Day 8 March Ko ko Sapko gaya. Now, what was the theme of this Women's Day? It was women in leadership, achieving an equal future in a COVID-19 world. हर चीज आजकल कोविड से जोड़ी जा रही है इसमें भी कोविड का आपको जिक्र मिलेगा स्लोगन रखा गया चूज टू चैलेंज एनी वेज दैट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट है हमने देखा नाइनटीन इलेवन में जो ट्वेंटी सेंचुरी की स्टार्टिंग में हमने देखा मार्क्सिस जो क्लारा जेटकिन थे शी बॉर्न इन जर्मनी तो हमने देखा था इन्होंने बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किया था उसके बाद अब तो यूएन एन वेमेन भी है प्रॉपर यूएन की सब्सिडरी है और वो भी इसके ऊपर काफी काम करते हैं यूएन एन वेमेन सो एनी वेज आई वुड लाइक टू शो यू दिस पर्टिकुलर थिंग आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल डे 2021 इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड मार्च थीम फाइन है, हर साल आठ मार्च को हम लोग ये दिन मनाते हैं इस बार भी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वेमेन्स डे को मनाया गया या ऑब्जर्व किया गया नाउ वेरी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर प्राइम मिनिस्टर ने इनगोरेट किया मैत्री सेतु सेतु किसके बीच में बनाया गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पहले तो आपको यह पता होना चाहिए किसके बीच में बना है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर के ऊपर बना है ऑफ कोर्स कोई सेतु है कोई ब्रिज है तो किसी रिवर पे बना होगा ना इट हैज बिन बिल्ट ऑन फेनी रिवर फेनी रिवर जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहती है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बहती है आई एम श्योर आपको पता होगा इट हैज हैजिन बिल्ट बाय नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम लोग जब बात करते हैं एंड लेपिट यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये ये मैप देखिएगा ध्यान से मैप देख रहा है ये क्या इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है यहाँ पे भी क्या इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है जैसे त्रिपुरा सबरूम है त्रिपुरा में यहाँ पे रामगढ़ बांग्लादेश का यहाँ पे सबरूम को यहाँ पे कनेक्ट यह करेगा ये ये क्या है फेनी रिवर बह रही है कौन सी रिवर है ये फेनी रिवर है आपको पता होगा फेनी रिवर जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है ऐसे सो तो ये त्रिपुरा से ये पूरी फ्लो कर रही है और यहाँ पे सबरूम जो है इंडिया वाली साइड पे इसको बांग्लादेश में ज्वाइन करेगा बहुत सिंपल सी चीज है फाइन सो आई एम शोइंग यू द मैप सो दैट यू हैव दैट मच ऑफ क्लैरिटी है किस तरह से आप इस चीज को विजुलाइज करके चलेंगे क्लियर एनी ठीक है फेनी रिवर याद रख लेना आपका काम हो जाएगा एनी हमने देखा फर्स्ट इंडिया का ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया तेलंगाना में जो तेलंगाना की जो साइबर पुलिस है साइबराबाद के हम लोग बात करते हैं इट इज एनोगोरेटेड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क फाइन रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना की वहां पे देखा। हम देखा इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट काइंड हम जेंडर इंक्लूसिव जब कम्युनिटी की बात करते हैं वहां पे ये चीज किया गया है एंड इट इज गोइंग टू प्रोवाइड सपोर्ट टू फाइल द केसेस इन द ऑफेंस रिलेटेड टू वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी ट्रांसजेंडर पर्सन जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू फाइन अंजन पटेल कोई ऐसी बात नहीं है अंजन पटेल फोकस ऑन द क्लास देर आर 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 लॉट मोर चांसेज टू कम आपने ऐसा नहीं सोचना है कभी भी ठीक है एवरीबडी हु इज वॉचिंग द सेशन एवरीबडी हु इज वॉचिंग द सेशन मेक श्योर यू एटलीस्ट लाइकिंग एंड शेयरिंग द सेशन इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए एंड मेक श्योर यूर प्रेसिंग द बेल आइकन एज वेल यहां पर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी वीडियो इज कमिंग अप ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एनी थिंग हम लोग बात करते हैं एक बहुत मजेदार शिप है ये क्या लिखा है नाम बताना जरा कमेंट करके बताओ ये क्या लिखा गया स्वर्ण कृष्णा दिख रहा है सबको कि नहीं एक ऑयल टैंकर है शिपिंग ऑपरेशन ऑफ इंडिया का स्वर्ण कृष्णा इट इन अ लॉट ऑफ न्यूज न्यूज क्यों था न्यूज में बताइए जरा स्वर्ण कृष्णा जो है न्यूज में क्यों रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण रहा है बट वो क्या कारण है जिसकी वजह से स्वर्ण कृष्णा न्यूज में रहा कोई बता सकता है मुझे कैन एनी बडी टेल मी द न्यूज उन्होंने क्या किया एम टी स्वर्णिक्रष्ण शिप है उसके अंदर हिस्ट्री स्थापित कर दी बिकॉज इट इज दस्ट टाइम इन दर्ल्ड इज बींगे जो शिप है

इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब सिंपल से यही है डेट हम लोग कहीं ना कहीं वेमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। दे के दिनी हमने देखा ये किया गया तो बहुत बड़ी चीज है जो कि हमें पता होनी चाहिए जेस्टर नहीं है बहुत बड़ी चीज है जिसपे हमें फोकस करना चाहिए एनी यूनाइटेड जनरल असेंबली जो है यूएन जनरल असेंबली इट हैज नाउ अडोप्टेड टू थाउजेंड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मिलेट्स का मतलब क्या होता है जैसे हम लोग बात करते हैं रागी है ज्वार है बाजरा है, ये मिलेट्स है. अब मिलेट्स की जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा है शहरों में तो अब लोगों को पहचानने लगे हैं लोग कि कितनी इंपॉर्टेंट है बाजरे की रोटी खाना रफेज होती है इसके अंदर बहुत न्यूट्रिय होते हैं तो ये पूरा साल जो है मतलब जो हम देखेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री उसके अंदर मिलेट्स के बारे में बात की जाएगी और इंडिया को सपोर्ट काफी कंट्रीज ने किया केनिया नेपाल नाइजीरिया रशिया सेनेगल बांग्लादेश इन सब ने भी सपोर्ट किया कि हाँ 2023 इंटरनेशनल ईयर फॉर मुलेट्स होना चाहिए फाइन सो so, आपको बस इतना पता होना चाहिए दैट इंडिया को बहुत सारी कंट्रीज ने सपोर्ट करके बोला कि हाँ हम भी आपसे ये मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए सिंपल सी बात है फाइन अ वेरी बेसिक थिंग दिस इज ठीक है सो ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग द सेशन मेक श्योर यू आर लाइकिंग द सेशन शेयरिंग द सेशन एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल ऑल एट द सेम टाइम दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड ऑलवेज हैव इन योर माइंड नी वेज नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं मिशन शक्ति के बारे में यूपी गवर्नमेंट ये क्वेश्चन क्या आएगा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आना है दैट जो यूपी गवर्नमेंट है यूपी मतलब कि कौन सी गवर्नमेंट ने बेसिकली लॉन्च किया तो so, अभी यूपी गवर्नमेंट ने सेकंड फेज लॉन्च किया है पहले फर्स्ट फेज लॉन्च किया था सो so, आपको पता होना चाहिए दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्लियर सो यूपी गवर्नमेंट इज लॉन्च मिशन शक्ति प्रोग्राम ऑन अक्टूबर ट्वेंटी अब सेकेंड फेज आया है ये वेमेन एम्पाट के ऊपर इसके साथ ही

विच इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल वुमेंस डे जो वुमेन इंपावरमेंट में कहीं ना कहीं एसोसिएट होंगे जरूर तो उनका खास ध्यान रखिएगा एंड यू शुड सर्टनली हैव दैट थिंग इन योर माइंड एट ऑल द टाइम्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा उनके बारे में क्लियर ध्रुव कुमार बताइए क्या डाउट है आपका हां जी एब्सोल्यूटली ध्रुव ये जो करंट अफेयर है दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन वो यहां तक कि कोई भी एग्जाम हो सकता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है फाइन एनी वेज फिक्की का आपको पता ही होगा फिक्की के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो वन फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देता तो हूं इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है फिक्की फाइन दिस इज वॉइस फॉर पब्लिक की हम बात करते हैं ना फिक्की ये देखिए फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की हम जब फिक्की की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा इट इज रिलीज ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स बस इतना याद रख लो कि ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है कौन लॉन्च करता है इट रिवील्स रिकवरी ऑफ द डिमांड कंडीशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंडस्ट्री के ऊपर बात करते हैं सो ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स इज रिलीज बाय फिक्की क्लियर दिल्ली के अंदर बेस है ये बॉडी फिक्की जो है फेडरेशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन अब आपको पता होना चाहिए बजरंग पुनिया विनेश फोगट अगेन ये दोनों रेसलिंग के साथ जुड़े हुए हैं यू नो दिस थिंग राइट

इन्होंने कनाडा के रेसलर को हराया डायना विकर ने विकर को हराया तो ये एक बहुत मुश्किल काम होता है जो कि इन्होंने किया सो दैट अगेन प्रूव्स दैट वी हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब जब भी हम लोग बात करते हैं यहां पे इस पर्टिकुलर सीरीज में जाने की एनी द नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्सटाइल्स की जब हम बात करते हैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उन्होंने एमओ साइन किया है सेरकल्चर एक्टिविटी के लिए वॉट इज सेरिकल्चर एक्टिविटी सेरिकल्चर एक्टिविटी होता है सिल्क बनाने की एक्टिविटी जो होती है सेरिकल्चर बेसिकली सिल्क तो याद रखेगा इट इज फोकस्ड ऑन ट्री बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री सैरिकल्चर में शहतूत के पेड़ लगाए जाते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे सिल्क फॉर्म्स होते हैं एवरी थिंग इज इंटरकनेक्टेड आपको पता होगा बुनियाद रीलिंग मशीन टू वन सिल्क रियरर वो डिस्ट्रीब्यूटेड रीलिंग मशीन होती है जो सिल्क को रील करती है तो ये नाम रखा गया बुनियाद रीलिंग मशीन तो आप देख सकते हैं कि बुनियाद रीलिंग मशीन किसके लिए है सिल्क वीवर्स के लिए सिल्क रियरर के लिए है जो भी सिल्क निकालता है उसको मिलेंगी बुनियाद रीलिंग मशीन सो दैट अगेन प्रूव टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट करंट फॉर ऑल ऑफ यू एपसोल्यूटली आपने बिल्कुल सही बोला ने बहुत सारे किए हैं प्रोड्यूस इनके ऊपर मूवी बनी थे दंगल फाइन सो ऑल दीपुल से चैनल एंड शेयरिंग द सेशन ऑल एट द सेम टाइम सॉरी फाइन चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक बांग्लादेश का बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है उसको हम बोलते हैं स्वाधीनता पुरस्कार क्या बोला जाता है उसको स्वाधीनता पुरस्कार बोला जाता है तो स्वाधीनता पुरस्कार अभी दिया गया है मैं आपको बता दूं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर द बांग्लादेश जैसे हमारा भारत है ना बहुत इंपॉर्टेंट है तो बांग्लादेश ने अभी नाम कुछ अनाउंस किए हैं ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए स्वाधीनता पुरस्कार जो है वो कहां का पुरस्कार है बताइए इट इज ऑफ बांग्लादेश फाइन दिस इज समिंग यू शूड नो द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ बंग्लादेश फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी एक हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंस अवॉर्ड इसका ट्रांसलेशन बनता है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्लियर है इतना एनी डाउट क्लियरिट ऑफ राइट नाउ किसी प्रकार का भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं बता सकते हैं एनी डाउट यू हैव बिकॉज अल्टीमेटली वेन अवे यू डूइंग द करंट अफेयर यू शुड हैव एटमोस्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है स्वाधीनता so, पुरस्कार याद रखिएगा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बना है उत्तराखंड में फाइन हमने बात किया है कालिका जो रानीखेट उत्तराखंड में है इट इज बेस्ड ऑन द ऑनसेप्ट ऑफ मेकिंग पीपल हेल्दी बाय देम इनटू डायरेक्ट विद नेचर लैंड में बना है मतलब आप यहां पे आइए और आप हील हो जाएंगे मतलब आपकी बीमारियां दूर कर दी जाएंगी सो इट्स अ पाइन डोमिनेटेड फॉरेस्ट ऑफ कोर्स एंड इट इज डेवलप्ड बाय रिसर्च विंग ऑफ द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको बनाया है तो आपकी अगर हीलिंग करनी है बेसिकली तो आप यहां पर जाएंगे और आप हील हो जाएंगे काफ़ी हद तक स्पेशली जो शहर में रहते हैं जिनके लंग्स वगैरह थोड़े से वीक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन लेकिन डेफिनेटली गोव है वहां पर आप हग करेंगे ट्री को पेड़ को गले लगाएंगे आप नंगे पैर ग्रास के ऊपर चलेंगे आप बैक के ऊपर मतलब सीधे आप लेट जाएंगे पीठ सीधी करके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच आई वुड लाइक टू टेल टू ऑल ऑफ यू नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग जम्मू एंड कश्मीर हैज लॉन्सर सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम आपको बस इतना पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है तेजस्विनी स्कीम जो है उसको भी अनाउंस किया गया एट दिस पॉइंट ऑफ प्रोवाइडिंग रुपीज फाइव लैख टू द गर्ल्स बिटवीन एटीन टू थर्टी फाइव ईयर्स यहां पे सबसे अच्छी चीज ये है कि रेंज बहुत लंबी रखी गई है 18 से 20, 22 साल नहीं 18 से 35 साल है तो जो लेडीज जो लड़कियां कभी डिवोर्स भी हो गया है या उनको शादी के अंदर बहुत दिक्कतें थी वो लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं पूरे तरह से तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है तेजस्वनी स्कीम जम्मू कश्मीर की है एंड दैट अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू मेक मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था क्योंकि पिछले हफ्ते आठ मार्च थी तो इसीलिए आठ मार्च से रिलेटेड जो वुमेन एम्पावरमेंट की काफी सारी चीजें हैं जो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी और वही आपको देखने को मिल रही फाइन चलिए नेक्स्ट वन एक बुक लिखी गई है स्मृति ईरानी पे स्मृति ईरानी पे बुक लिखी गई है जो कि बिलॉन्च होगी डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी आपको बस इतना पता होना चाहिए किसने लिखी है अनंत विजय ने किताब लिखी है ये एक जर्नलिस्ट ऑथर है अनंत विजय और ये किताब किसके ऊपर बेस्ड है इट इज बेस्ड किस तरह से इनकी विक्ट्री हुई 2014 में अमेठी के अंदर इन्होंने विक्ट्री की और वो अमेठी जिसको करम भूमि कहा जाता था नेहरू गांधी फैमिली की शुरू से मतलब 1960s से अभी तक उसको इन्होंने तोड़ा तो स्मृति ईरानी जो है जो कि मिनिस्टर है अभी उन्होंने कैसे तोड़ा उस डोमिनेंस को और डायनेस्टी पॉलिटिक्स को कैसे खत्म किया वहां पे उसके ऊपर ये किताब है जो अनंत विजय ने लिखी है यू शुड डेफिनेटली गो अक्रॉस एंड यू शुड डेफिनेटली रीड दिस पर्टिकुलर बुक जो कि अनंत विजय ने course, down, down की है पर्टिकुलर बुक फाइन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज वट इज दैट पी वी सिंधु नो पी वी सिंधु वन सिल्वर मेडल बी डब्ल्यू एफ विश्व ओपन जो सुपर थ्री हंड्रेड है आपको इतना पता होना चाहिए दैट शी लॉस वर्ल्ड नंबर थ्री ओलम्पिक्स के अंदर भी सिल्वर मेडल तभी मिला था क्योंकि कैरोना मैरिन से हारी थी और अभी फिर से वही बात हुई है कैरेलिना मैरीन से ही ये हारी हैं दोबारा से शी स्पेनिश कैरेलिना मेरीन बिलोंग्स टू स्पेन और उन्होंने फिर से पीवी सिंधु को हरा दिया है क्लियर तो कुल मिला के कई बार क्या होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो जाते किसी चीज का एनी जो भी अभी हमारे साथ जुड़े हैं मेक मेकश्योर यूर लाइकिंग द वीडियो प्रेसिंग टू द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल राइट नाउ राइट एनी ऑटोबायोग्राफी की हम लोग बात करते हैं फ्रंटियर गांधी पहले तो मैं आपको बताऊं फ्रंटियर गांधी कौन है खान अब्दुल गफार खान एक बहुत बड़ी बात यह है चाहे पाकिस्तान के रहे लेकिन इंडिया में नाइनटीन में इनको भारत रत्न भी दिया गया नाइनटीन के आसपास इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और मैं आपको बताना चाहूंगा दैट ऑटोबायोग्राफी जो है इनकी उसका नाम है द फ्रंटियर गांधी माय लाइफ एंड स्ट्रगल इन्होंने गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाए कंधे से कंधा मिलाया स्पेशली सविनय अवज्ञा आंदोलन में जिसको आप सिविल डिसोबिटियस मूवमेंट के नाम से भी जानते हो इनके फॉलोअर्स को बोला जाता था रेड शर्ट्स जिनको कई लोग खुदाई खिदमतार के नाम से भी जानते हैं खान अब्दुल खान का नाम किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है ऐसा मैं मानता हूं और भारत की आजादी की जंग में इन्होंने काफी एक अहम भूमिका निभाई है सो so, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ ग्रेट नेशनलिस्ट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट जिन्होंने काफी सारी मूवमेंट में अपना काम किया है और उन्हीं को फ्रंटियर गांधी बोलते हैं तो इनके ऊपर बुक आई है कि गांधी गांधी कौन है, है, या किनको फ्रेंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये है खान अब्दुल गफार खान, अब्दुल so, इस तरह से देखो करंट बनता है, कई लोग बोलेंगे कि सर एग्जाम में, में, you know, में चल रहे होते हैं एग्जाम में भी तभी ये चीजें पूछी जाती हैं एनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 क्वेश्चन में यही आता है कि ये रिलीज कौन करता है कि इसको रिलीज किसने किया सो so, इतनी सी बात आएगी इट इज रिलीज बाय यू एन ई यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम कौन करता है रिलीज इसको यू रिलीज करता है नाउ माई क्वेश्चन इज कि यू तो रिलीज करता है यू जो है उसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो तो कभी या न्यूयॉर्क में होते हैं कभी स्विट्जरलैंड में होते हैं हार्डली अफ्रीका में कोई मिलेगा तो यूएनईपी जो नाइनटीन सेवनटीज में बनी थी उसके हेडक्वार्टरोबीन है में पहले तो आपको यह पता होना चाहिए नाउ दिस रिपोर्ट टोल्ड

टोटल ग्लोबल फूड प्रोडक्शन लोग हंग्री रहे सत्तर करोड़ पूरी दुनिया में ये फाइन इंडिया का जो वेस्ट है वो भी बहुत हाई है आप दे सकते हैं तो हमें इसके ऊपर काम करना होगा फाइन हम लोग भी सात करोड़ टन लगभग वेस्ट कर रहे हैं एक साल का जो कि बहुत ज्यादा यू एन ईपी ने ये आपको क्वेश्चन क्या आएगा आपको क्वेश्चन आएगा कि हु इज रिलीजिंग दिस फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट ये कौन रिलीज करता है कौन तैयार करता है तो इट इज यू एन ईपी बेस्ड इन कीनिया। फाइन एप से बिग शेम ऑन एवरी वन ऑफ अस जो भी वेस्ट करते हैं फूड एनी वेज हु इज द न्यू उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत तीरथ सिंह रावत नए सी एम है और आपको पता ही है कि काफी ज्यादा उत्तराखंड के अंदर एक बीजेपी के अंदर रिफ्ट देखने को मिली और यही कारण था त्रिवेंद्र सिंह रावत को जाना पड़ा और तीरथ सिंह रावत को आना पड़ा हमने देखा है कि ही वाज़ द चीफ ऑफ द बीजेपी ऑल्सो उत्तराखंड के अंदर पहले 2013 से 15 में यही चीफ ऑफ बीजेपी थे और बीजेपी में एक चैलेंज क्या आ रहा है एक तो है ओल्ड टाइम बीजेपी प्लेयर्स जो पुराने बीजेपी प्लेयर्स है एक वो कैंडिडेट अपना कर रहे हैं एक है इंपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस कई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं जैसे हरक सिंह रावत है सत्यपाल महाराज है ये अपने बंदों को आगे कर रहे हैं तो बीजेपी के अंदर दो गुट बन गए हैं उत्तराखंड में एक पुराने बीजेपी वाले और एक वो बीजेपी वाले जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और उनके बीच में क्या चल रहा है रिफ्ट चल रहा है और एक गुट में कौन है तीरथ सिंह रावत एक में त्रिवेंद्र सिंह रावत है और उन्हीं का एक बैलेंस करने की कोशिश की जा रही सो दैट्स अ बिग क्राइसिस फॉर बीजेपी इन उत्तराखंड स्टेट ऑफ इंडिया उत्तराखंड बीजेपी का गढ़ है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन बीजेपी के अंदर भी थोड़ा सा रिफ्ट आ चुका है दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ न्यूज एनी आयोग ने क्या किया जो डिपार्टमेंट इकोनॉमिक फेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसके साथ एक वर्चुअल वर्कशॉप की ऑन एसेट मोनिटाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फाइन हम लोग जब भी बात करते हैं एसेट मोनिटाइजेशन किसका मतलब क्या इन शॉर्ट अगर आप बात करो एसेट मोनिटाइजेशन का सिंपल मतलब यही है कि कोई भी एसेट है उसको बेच के कितना पैसा मिल रहा है कोई एसेट को ज्यादा पैसा मिलता है कोई बेच के कम पैसा मिलता है so की हम जब बात करते नीति के सीईओ अमिताभ कांत राजीव कुमार चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर ही है क्लियर हाँ जी हांजी आप से रघुनंदन बिल्कुल सही बात है अब आईओसीएल की तो आपको पता ही है ऑफ इंडिया इंडियन ऑयल सो so, हम जब बात करते हैं आईओ की इट इज साइन एमओयू विद उड़ीसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये ठीक है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का ही ये क्या करना चाहते हैं पारादीप प्लास्टिक पार्क बनाना चाहते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग जब बात करते हैं प्लास्टिक पार्क स्कीम यहां पे क्या किया जाएगा प्लास्टिक जो कि एक बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक है उसको डेवलप किया जाएगा पारादीप पोर्ट के पास ही और वहां पे बना के एक्सपोर्ट करना भी काफी इजी रहेगा हमारे लिए क्योंकि वहां पे पारादीप पोर्ट है सो so, आप दोनों चीजों को कनेक्ट करके देखिए मेड इन इंडिया भी हो जाएगा और एक्सपोर्ट जो है हमारी इंप्रूव भी हो जाएगी दैट सर्टली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल क्लियरली एंड जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल यू आर प्रेसिंग द बेल आइकन अलॉन्ग विद लाइकिंग दिस वीडियो एवरी वन ऑफ यू सपोर्ट अस सो दैट वी सपोर्ट यू बैक इन द सही प्रेप एंड लाइफ सेट नेक्स्ट वन जीसी मुर्मू को रीअपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ यू एन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स जी मुर्मू कौन है वो हमारे इंडिया के कैग है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन होती है यूएन के अंदर ऑडिटर जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स है वहां पे जाना और उसके चेयरपर्सन बनना तो और भी बड़ी बात है जिसका सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ बस आपको इतना पता है ये क्या है इंडिया के कैग हैं सब जानते हैं जी मुर्मू इनका नाम है जी मुर्मू गिरीश चंद्र मुर्मू इनका नाम है आई ऑफिसर है सिंपल नेक्स्ट सिंगापुर ने टॉप किया है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में कौन लेकर आया है इसको एक आपको पता होगा यूएस का थिंक टैंक है हेरिटेज फाउंडेशन ये नोट करते रहो हां जी हाँ जी बहुत बढ़िया दिलीप मंडल बहुत बढ़िया हेरिटेज फाउंडेशन ने किया है इट कवर 184 कंट्रीज दैट कवर द पीरियड फ्रॉम 2019-20 का जो पीरियड है ना जून जुलाई का वो कवर किया गया एंड इंडिया हैज बीन प्लेस एट वन पोजीशन इन द इंडेक्स क्लियर सो ये कोई इतनी अच्छी पोजिशन तो नहीं है बट स्टिल दैट इज द पोजीशन आपको पता होना चाहिए फाइन तो सिंगापुर ने क्या किया टॉप किया है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स ये है आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर फाइन चलिए बहुत बढ़िया हाँ जी आर्टिकल 148 फोर्टी एट का इंडियन आर्मी बिल्कुल सही बात है अब इंडिया और उजबेकिस्तान ने क्या किया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दसलिक टू की है आपको पता होना चाहिए दसलिक एक एक्सरसाइज जो है वो जब हमने की इस बार तो ये स उजबेकिस्तान के साथ ही है फर्स्ट एडिशन हमने 2019 में किया था अब हमने सेकंड एडिशन किया सो यू शुड नो दैट फर्स्ट एडिशन कहा हुआ तो वहीं पे हुआ था सेकंड एडिशन हमने रानीखेत में किया उत्तराखंड में एंड एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज हुई है आपको ये बात पता होनी चाहिए फाइन सो so ये एक बहुत बेसिक सी चीज है तो हमने क्या देखा है पूरी तैयारियां हो चुकी हैं एंड इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूइंग अभी पूरी स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपरली होगी अब पूरा सेट हो चुका है दस तारीख टू के लिए जो पूरा हम लोग देखते हैं उनकी टीम्स आ चुकी है इंडिया में एवरीथिंग इज रेडी एंड वी आर रेडी टू वेलकम बींग गुड होस्ट हम जब भी बात करते हैं उजबेकिस्तान की दिस इज देखिये ये देखिए ये है आपको ये बात पता होनी चाहिए फाइन सो दैट पर्टिकुलर कंट्री इज उजबेकिस्तान एवरी वन सो कहीं ना कहीं हम लोग एक चीज जरूर ऑब्जर्व करते हैं वो ये है दैट हैज ऑलवेज बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया उजबेकिस्तान भारत का एक बहुत ही अच्छा दोस्त रहा है एंड इनफैक्ट फैक्ट सभी कर दी जाए तजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उजबेकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान वो सभी इंडिया की अच्छी फ्रेंड जो है कंट्रीज फ्रेंडली कंट्रीज बन के उभरी हैं हमेशा फाइन नेक्स्ट हम लोग जब बात करते हैं फ्रांस की दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रांस हज लॉन्च इज फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा मिलिट्री एक्सरसाइज वो भी स्पेस के अंदर तो इसका श्रेय किसको जाता है फ्रांस को जाता है यू शुड नो दैट एंड इट हैज कोड नेम एज एस्त्र आर एक्स एस्त्रसे कोई पूछता है एस्त्र क्या है सो इट इज द मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि फ्रांस कर रही है कहाँ पर स्पेस में सेकेंड थिंग इज इट इज इन द मेमरी ऑफ द फर्स्ट फ्रेंच सेटेलाइट फ्रॉम नाइनटीन सिक्सटी फाइव जो फर्स्ट फ्रेंच सेटेलाइट थी नाइनटीन सिक्सटी फाइव से उसी की मेमरी में कहीं ना कहीं इसका नाम रखा गया है यू एस स्पेस फोर्स एंड जर्मन स्पेस एजेंसीज आर ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन द फ्रेंच एक्सरसाइज तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जो पोटेंशियली डेंजरस स्पेस ऑब्जेक्ट्स है उनको मॉनिटर किया जाएगा काफी सारी चीज की जाएंगी अब आपको तो पता ही है कि कहा जाता है कि नेक्स्ट जो वॉर्स होंगी वो स्टार वॉर स्पेस वॉर्स होंगी और आपको पता है कि हमारी भी ए सेट वगैरह तैयार है एंटी सेटेलाइट की हम बात करते हैं सेटेलाइट वॉरफेयर सेटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना ये सब चीजें फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा कंसर्न बन के हमारे सामने खड़ी होंगी एंड वी हैव टू कीप दैट थिंग इन आवर माइंड हमें उन सभी चीजों को क्या करना है अपने जहन में रखना है अपने माइंड में रखना है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लियर बिल्कुल रवि वो देखिए स्पेस के अंदर जाके ही मॉनिटरिंग वगैरह करेंगे उससे ये चीज होगी क्लियर आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू समझ आ गया चलिए बहुत बढ़िया नाउ हैविंग सेड दिस पर्टिकुलर थिंग यहां पे एक बहुत सुंदर सबमरीन है अभी अभी कमिश्निंग हुई है इसका नाम कौन बताएगा मुझे वैसे तो स्क्रीन के ऊपर आप ध्यान से देखो तो आपको नाम मिल जाएगा दैट इज आई एन एस करांच Scorpion class submarine नहीं है। 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 है मुंबई के अंदर एक बहुत शानदार प्रोग्राम किया गया किया गया गया और करंज करंज। को कमीशन पता है ना आपको इट इज थर्ड इन सीरीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेजेगोन डॉक लिमिटेड जो है इट इज मेड इन इंडिया और प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के अंदर फाइन द बेस्ट पार्ट इज

सो so, आपको ये पता होना चाहिए किसको अवार्ड मिला है चेस प्लेयर कोनेरू हम्पी हैज वन दिस पर्टिकुलर अवार्ड फाइन बिल्कुल बिल्कुल रवि प्रशांत उसके ऊपर हम लोग जरूर बात करेंगे डोंट वरी अबाउट इट चाइना ने रशिया के साथ एक एमओयू किया है टू ज्वाइंटली बिल्ड लूनर स्पेस स्टेशन लूनर स्पेस स्टेशन समझते हो चांद की बात आती है जब तो वहां पर लूनर आता है सो इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनर स्टेशन की हम जब बात करते हैं उसके बारे में ये बात कर रहे हैं अभी जस्ट दो हजार एक से शुरू हुआ है और आपको पता होना चाहिए दैट इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड वर्चुअली बाई मार्टिन सोक्रेज एंड क्रिस्टोफर नोलान क्रिस्टोफर नोलान आप सब जानते हैं उनको वो बेसिकली इनको देंगे कब देंगे कब 19 मार्च को देंगे भी चार दिन बाद देंगे एमओयू मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रवि एमओयू यू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोई समझौता होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एमओयू किरण बेदी जो है आपको पता है एल रह चुकी है कहा की पुडुचेरी so you know right? so की सी नो दिस थिंग राइट सो पुडुचेरी की एडमिनिस्ट्रेटर रह चुकी है ये और लेफ्टिनेंट जनरल जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर एक ही बात है इनको क्या दिया गया बैटन ऑफ ऑनर आप देख सकते हैं बैटन ऑफ ऑनर सर्टिफिकेट दिया गया श्रीमती शीम, किरण बेदी को बाय आवर राष्ट्रपति जी फाइन सो उन्होंने ये दिया है नाउ किरण बेदी द फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर ऑफ उफ इंडिया 1972 में इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया बट ऑन टॉप ऑफ इट इन्होंने जो पुडुचेरी में रहकर काम किया एज एडमिनिस्ट्रेटर एज द लेफ्टिनेट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी उसको एक तरह से सराहा गया है किसके द्वारा राष्ट्रपति जी के द्वारा सो दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थैंक

हामेन बोकायो इज नो मो एंड आपको बस इतना पता होना चाहिए दैट ये कहाँ को बिलोंग करते थे आइवरी कोस्ट आइवरी कोस्ट जो कि अफ्रीका में है ठीक है जी बिल्कुल 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 देखिए टेरिटोरियल आर्मी में आप जा सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी जो है उसमें कोई भी जा सकता है जिसके पास एक गेंदफुल एम्प्लॉयमेंट है जो गेंदफुल इंप्लॉयड है सो so, ऐसा नहीं कि टेरिटोरियल आर्मी में नहीं जा सकते जाते हैं बल्कि आपके पास एक प्रॉपर जॉब होनी चाहिए तभी आप जा सकते हैं और आइवरी कोस्ट की कैपिटल का नाम क्या है या मोसू मोसूक्रो जो है वो वहां की क्या है कैपिटल है आइवरी कोस्ट सो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए दैट ही बिलोंग टू आइवरी कोस्ट नेक्स्ट वन फर्स्ट क्वाड लीडर वर्चुअल समिट 2021 ट्वेंटी क्वाड क्या है पहले तो ये समझ लो क्वाड की जब हम बात करते हैं द कंट्रीज ऑफ क्वाड क्या है ऑस्ट्रेलिया यूएस जापान एंड इंडिया आप देख सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन चीज है क्या है ये क्वाड है ये फाइन कैन यू सी दैट एवरीवन ये क्या है ये ऐसे क्वाड बनता है कि नहीं बनता है सो so, ये चार कंट्रीज है जो आप देखते हो यहां पे ये सो so, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए क्वाड में ही चार कंट्रीज मैप देख लो जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस अब देखिएगा हम लोग जब भी बात करते हैं इसकी सो so, हमने देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमने देखा जोसफ बाइडन ऑफकोर्स यूएस के हैं ऑस्ट्रेलिया में पीएम स्कॉट मॉरिसन एंड जैपनीज पीएम युशिन दे सुट इज द फर्स्ट वर्चुअल क्वाड फ्रेमवर्क टर फेमेडी वन और यहाँ पे हमने बात की कोविड वैक्सीन की कोपरेशन और टेक्नोलॉजी रिसेंट मूव जो भी हुई है एल की वो भी डिस्कस किया गया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग तो क्वॉर्ड के अंदर इंडिया की मेंबरशिप होना अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है इंडिया के लिए भी एंड यू शुड ऑल बी वेरी मच प्राउड ऑफ दैट फाइन एनी मिथाली राज का तो नाम सुना ही है आपने सो वेमेन एम्पावरमेंट के अंदर एक और कदम कहीं ना कहीं जो वेमेन अपने आप ही ऑफकोर्स अपने आप को इंपावर करेंगे और उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मिथाली राज शी द फर्स्ट वेमेन क्रिकेटर टू स्कोर टेन थाउजेंड रन आप सोचिए फर्स्ट महिला है भारतीय थर्टी एट ओल्ड शी प्लेस नाइस क्रिकेट और रन कंप्लीट किए हैं अक्रॉस ऑल फॉर्मेट एंड शी इज द सेकेंड लार्जेस्ट वेमेन स्कोर इन द इंटरनेशनल क्रिकेट तो आपको पता होना चाहिए एक बहुत बड़ी चीज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी श्रृंखला चल रही है और इन्होंने दस टेस्ट मैच में अभी रन बनाए तो बहुत बढ़िया ये प्रदर्शन कर रही है मिथाली राज तो मिथाली राज ने यह बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है एनी वेज गवर्नमेंट हैज लॉन्च मेरा राशन मोबाइल ऐप फॉर द माइग्रेंट पी डी एस बेनिफिशरी अब कोई बंदा माइग्रेशन करके आया किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में काम करने के लिए अब वो पी डीएस का बेनिफिट लेना चाहते हैं पीडीएस का मतलब होता है जैसे आप राशन कार्ड दिखा के लेते हो ना कोई अनाज वो लेते हो तो मेरा राशन मोबाइल ऐप से क्या होगा आप आराम से अनाज ले सकते हो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको बहुत हेल्प हो जाएगी Uh, बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली प्रज्वल त्यागी मैं वही बात बता रहा हूं कि शी इज डूइंग डूइंग अ अ फिनोमिनल फिनोमिनल जॉब जॉब शी इज एब्सोल्युटली सो जो लोग भी अभी हमारे जॉबली जुड़े हैं मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल प्रेस टू द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो राइट नाउ अलॉन्ग द वीडियो एब्सोल्युटली फाइन एनीवेज हम लोग बात करते हैं रशिया रशिया हैज द ट्रिपल सर्विसेज ट्विटर सर्विसेज सर्विस ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट ऐसा माना जा रहा है कि कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल है इसलिए हम लोग उसको क्या कर रहे हैं नीचे कर रहे हैं इनफैक्ट आपने नाम सुना होगा सो so, जो मीडिया रेगुलेटर है उनका दे हैव अनाउंस टू स्लो डाउन ऑनलाइन एक्सेस टू द सोशल मीडिया जैन ट्विटर इंडिया ने भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक्शन लिया था जब इंडिया ने कू को बनाया कू के डब्लू कू पता है ना जैसे ट्विटर है वैसे कू बनाया इंडिया ने उसी प्रकार से रशिया भी अब खुश नहीं है इनफैक्ट जो हमारा जो रशिया का बेसिकली वो आ, रेगुलेटर है जो इट हैज मेड ओवर 28,000 कंप्लेंट्स टू ट्विटर मतलब 2017 से अभी तक 28,000 हजार कम्प्लेन कर चुका है वो ऑब्जेक्शनेबल जो कंटेंट है उसको लेकर कि आप हमारे देश के हित के अगेंस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो इट इज ओके ओके इंड नामी चलिए बहुत बढ़िया नेक्स्ट वन जम्मू एंड कश्मीर ने ई सुविधा एप को लॉन्च किया है रमन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज दिस ई सुविधा ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है इसमें क्या होगा हेल्थ है कम्युनिटी सर्विस है फूड सप्लाईज हेल्थ वगैरह सब चीज एक जगह पे लोगों को मिलेगी ऑनलाइन सो so धीरे धीरे दिर आपको पता है कोविड ने कहीं ना कहीं क्या किया है कोविड ने अन इंटेंशनली डिजिटल इंडिया के सपने को और ज्यादा पास लाकर खड़ा कर दिया है कोविड की वजह से क्या हुआ बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन चीजें करनी स्टार्ट की और उससे हमने क्या देखा कि जो भी डिजिटल इंडिया का हमारा प्लान था वो काफी ज्यादा फुलफिल होता हुआ नजर आ गया है सो इट्स सर्टनली अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप विच बीन डन इंडिया हैज होस्टेड फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स सी जी ई टी आई पता की हम लोग बात करते हैं फॉर कॉन्टीन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसिस इंडिया प्रेजेंडेंट द कैलेंडर ऑफ द इवेंट ब्रिक्स सी जी टी आई विच इज इन्वॉल्विंग वेरियस जो प्रायोरिटी एरियाज है इवन एम एस एम ई भी इसमें इंक्लूड किया गया है तो ये पता होना चाहिए फाइन सो so अगेन आप ये सोचो कि ब्रिक्स कितना बढ़िया तरीके से ग्रो किया है आप देखो कहाँ तो ब्रिक्स के अंदर साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री भी नहीं थी आज ब्रिक्स के अंदर इतनी सारी कंट्रीज आई हैं सो so सर्टनली हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिक्स की जो ग्रोथ है इट हैज़ बिन फिनोमिनल ब्रिक्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ही बेहतरीन रही है एंड वी ऑलवेज हैव टू सी इट इन दैट रिस्पेक्ट ओनली हमें उसको हमेशा उसी तरह से देखना है फाइन सो so,

सो so, कोशिश करिएगा कि आप उस क्विज का पार्ट बन सके बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज द थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जामिनेशन डिफरेंट एग्जामिनेशन फाइन सो आठ बजे ग्रेड अप एप के ऊपर मुझसे मिलिए एवरी वन ऑफ यू सो दैट वी कैन डू दैट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट ग्रेड अप इज ऑफरिंग यू द सब्सक्रिप्शन एट अ वेरी रिड्यूस रेट एंड आपको उसका फायदा उठाना है सुपर सेवर मार्च के अंदर यूज दिस कोड सेवर इस सेवर का यूज करिए एंड आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएंगे ग्रेडअप सुपर सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो कि आपको पता ही है इट्स अमेजिंग एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो यू सब्सक्राइब टू द चैनल यू प्रेस द बेल आइकन अलॉन्ग विद लाइकिंग द वीडियो एट द सेम टाइम बिकॉज इफ यू वुड लाइक टू हैव दिस ब्रिलियंट कंटेंट कमिंग टू योर वेज यू नीड टू डू दिस एवरी टाइम यू वॉच द वीडियो फाइन सो हम सब मिलते हैं एक घंटे बाद लगभग आठ बजे ग्रेडअप एप के ऊपर और वहां पर हम लोग बहुत मजेदार एक क्विज़ करेंगे स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ा हुआ एवरीबडी जिसने भी जुड़ना है मेक श्योर बी देर एट 8 पीएम बहुत अमेजिंग क्विज हम लोग करेंगे ग्रेडअप के ऐप के ऊपर थैंक यू सो मच इट वॉज अमेजिंग सेशन लाइक एंड शेयर